अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदुल हसन आज़ाद और मैं यहां शाहीन बाग में हूं। शाहीन बाग में अभी कुछ देर पहले पुलिस धमकी दे गई है कि अगर आप लोग यहां से नहीं उठते तो हम यहां पे लाठी चार्ज करेंगे, हम यहां पे मारेंगे तुम लोगों को। इस तरह से अभद्र तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार करके यहां पर से गई है। हम महिलाओं से बात करके आपको बताएंगे क्या हुआ है। हाँ, तो जिस तरह से लखनऊ घंटाघर में लाठी चार्ज करने के बाद वहाँ की औरतों को डरा के प्रोटेस्ट को खाली करा दिया गया, क्या यहाँ भी उसी तरह से लाठी चार्ज का डर फैलाकर यहाँ के भी प्रोटेस्ट को भी खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, हमको डर नहीं है। वो जो भी करने आएगा, हम जैन हम बैठे हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। जो वो गोली मारने के लिए आता है या लाठी मारने के लिए आता, हम हटेंगे नहीं अपने जगह से। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा घर यहीं पे है, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक हटेंगे नहीं। और देखते हैं प्रधानमंत्री कितना को जैन मारवाता है, कितना को गोली चलवाता, कितना को लाठी चार्ज करवाता। हम हटेंगे नहीं, बिल्कुल हम यहीं पर डटे रहेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री अब खुद को ये होता है हार मानता है या हम लोग हार मानते हैं। लोगों की तरफ से यहाँ पे धमकी शायद दिया गया है, आप क्या हुआ है यहाँ पर? पुलिस वाले आए शुरू में तो चले गए देखे, फिर आए सारे, बहुत सारे, कहने लगे कि आप खाली करो नहीं तो आपको बलपूर्वक उठाया जाएगा। सैनिटाइजर यूज करो, इसके बाद बात करना। बलपूर्वक उठाया जाएगा आपको और इसको हम सफाई करेंगे, मतलब ये रोड हम साफ करेंगे, आप लोग उठो। अब ये हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उन्होंने हमें कल ये बोला कि आप लोग पांच लोग बैठो, हमने उनको रूल रेगुलेशन फॉलो किया अपना, हमने जनता कर्फ्यू का साथ दिया, मतलब जो उन्होंने बोला वैसा हमने किया। पांच लेडीज हमने बिठाई, सबको अलग अलग मास्क बिठा के ग्लव्स बना के हमने बिठाया गया। एक चौकी बैग हम भी नहीं आए, पूरा हमने इसको ब्लॉक कर दिया, कोई आना जाना बिल्कुल सब बंद था। कल ही ये हादसा हुआ, कल ही पुलिस के सामने बैरीगेट पे 8 बोतलें पेट्रोल बम की फोड़ी गई। फिर इधर पिछली वाली गली में मेरा घर है, वहाँ पे क्रिप्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक दुकान को जलाया गया। पुलिस सामने खड़ी है, सामने चौकी है, इधर थाना है। पुलिस अगर वायलेंस से फ़ोन भी करती ना तो वो मुझे पकड़ा जाता। उसके बीच भी कह रहे हैं कि वो आप लोगों के बीच का आदमी था, मतलब हम अपने प्रोटेस्टर्स को बदनाम करने के लिए अपना भी आग लगाएंगे, अपने ही वो जलाएंगे लोगों को या अपनी दुकानें जलाएंगे, तो गलत बात नहीं। ये तो इल्ज़ाम तराशी हो रही हम पे शुरू से ही, आप लोग सब जानते हैं। कभी बिरयानी का, कभी 500 रुपए का इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए। अब ये है, इस कोरोना वायरस बीमारी है, देश में आई है, चली भी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप उसको उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा आप लोगों ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया है, सैनिटाइज किया है पूरे देश को? हवाई जहाज के थ्रू आपने कल बंद कराया था, नहीं किया ना कुछ भी। आपने कितने लोगों को मास्क बांटे, कितने लोगों को आपने ये सब दवाइयाँ मुहैया कराई, क्लोरोसिन वगैरह जो वो है? आपके पास तो ढंग की मशीन भी नहीं है चेक करने के लिए, टेस्टिंग मशीन भी नहीं है। और 5,000 रुपये का एक चेकअप रख दिया, गरीब आदमी जो डेली खाता है, डेली घर में उसका आटा ना जाता है, सब लोग अमीर नहीं है देश में, बहुत जनता गरीब है, वो लोग अपना टेस्ट कराएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे? आपने कितने लोगों को राशन दिया? क्या ऐलान किया है कि इतने लोगों को हम अपने उनके घर जाके या एक गाड़ी के जरिए, किसी भी थ्रू के जरिए आपने ये किया कि हम उनको ये राशन पानी देंगे? आपने देश के लिए कुछ नहीं करा। इससे अच्छा तो आप नेपाल है और देश जितना कर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे ये ज़्यादा फैल गया कोरोना वायरस तो ये इनसे कवर होने वाला नहीं है। ताली बजाने से, थाली बजाने से ये कुछ नहीं होने वाला, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बाकी जो देश के लिए करना है वो कीजिए ना, जो एक प्रधानमंत्री का, एक राजा का, एक उसका काम होता है, अच्छे काम करिए, हम भी आपका अप्रिशिएट करेंगे, अपना साथ देंगे। शाहीन बाग वाली लेडीज़ के लिए आपने क्या किया? सिर्फ ये है कि अभी हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, उसके डेलीगेशन आए, हमें सबने उनकी बात को माना, जो अपनी बात थी वो रख दी। जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि कोर्ट हो चुका बंद, तो ये जो प्रशासन है इसका कोई राइट नहीं बनता कि हम लोगों को ऐसा धमकियाँ दे के जाए। हम बैठे शांतिपूर्वक, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज अभी मैंने किया, ये मास्क मैं डेली, ये मैं बुरखा अपना जो भी है डेली गर्म पानी से धोती हूँ, घर में भी मतलब बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर भी। तो ये तो सब इनका एक बहाना है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट से इन्हें दिक्कत है, उसको ये उठाएंगे, क्योंकि घंटाघर पर उठा दिया इन्होंने, तुर्कमान गेट पे भी इन्होंने एक्शन लिया है, तो शाहीन बाग में भी ये सब करने वाले हैं। कल तक देखो, अब हम लोगों को तो ये खतरा है, ये रात में हम पे कभी भी अटैक करेंगे, तो इसके लिए अब अल्लाह मालिक है, ये हम तैयार हैं मार खाने के लिए भी। हम 100 दिन पूरे हो चुके हैं हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी राइट के लिए बैठे, संविधान बचाने के लिए बैठे, कुछ भी लोग कुछ भी बोलते रहो। पूरे देश के लोगों को ये भ्रम है कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, जो ये काला कानून लेके आए हैं वो वापस ले ले, आज के आज हम अपने घर को चले जाएंगे, ना हम कोरोना वायरस फैलाने जाते हैं, ना हमारे शाहीन बाग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा संगीत मरीज या कुछ भी हमारे शाहीन बाग में नहीं मिला है, ना होगा। हमें अल्लाह में पूरा यकीन है, हम नमाज पाबंदी करते हैं, जल कितनी बार हमारे हाथ धुलते हैं, कितनी बार हम नमाज में अदा करते हैं अपने हाथ पैर, हम सबसे बड़ा हिजाब
तुमने तो अपहदा शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले से पहनते चले आ रहे हैं, और ये हिजाब हमारी हमारे लिए पहले से ही हमारी फर्ज करने वाला है, तो आज भी ये हिजाब ही हमारे लिए मास्क तो तुम लगा रहे हो, हमने शुरू से ही अपने आप को ढक कर रखा है, तो हमें तो कुछ कोरोना वायरस असर करेगा नहीं, बाकी अल्लाह मालिक है वो बचाने वाला है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से चैनल के देश के लिए जो जो एक कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री का वो करिए, और लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराइए, सैनिटाइज कीजिए पूरे देश को, तभी आप एक अच्छे प्रधानमंत्री एक अच्छे पीएम कहलाएंगे, नहीं तो बाकी जनता तो है ही है बेवकूफ़ वो बन रही है। बस यहाँ पे बहुत डर का माहौल बन गया है कि अगर पुलिस यहाँ पर 5 बजे सुबह तक कुछ भी कर सकती है, लाठीचार्ज करवा सकती है, ये पुलिस को किसने दिया हक, किसने उसे ऑर्डर दिया लाठीचार्ज करवाने का, क्यों, क्या प्रोटेस्ट करना औरतों का हक नहीं है, क्या प्रोटेस्ट करना यहाँ के लोगों का हक नहीं है, जिस तरह से उनको कोई हक देता है पुलिस बनने का, उसी तरह यहाँ का लोगों को हक है प्रोटेस्ट करने का।